हत्यारा है, हम उसे दंड देंगे। छत्री से ब्राह्मण बना, ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त किया, ब्रह्मर्षि नहीं बल्कि देवर्षि नहीं, अरे वो स्वयं पिधाता बन गया, परमात्मा के नियम को उसने तोड़ा। रावण ने संपूर्ण विश्व पर साम्राज्य स्थापित किया है, लेकिन कोई एक प्रमाण दे दे कि रावण ने यह कहा हो कि मैं भगवान हूं, ऐसा नहीं है। रावण परमात्मा को मानता है, रावण परमात्मा को मानता है। रावण इस परमात्मा हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष ने जब दिग्विजय किया तो अपने आप में घोषित कर दिया कि नहीं मैं भगवान हूं। हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष ने यह कहा कि मैं भगवान हूं, लेकिन रावण ने अपने जीवन काल में कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं ना। रावण ने यह जरूर कहा है कि नहीं विश्व में शक्तिशाली जो है वही भोग करने योग्य है, लेकिन परमात्मा को माना है कि कहीं ना कहीं परमात्मा है। अब वो परमात्मा कैसा है उसे रावण प्रत्यक्ष रूप में देखना चाहता है। रावण का प्रयोग है केवल, रावण ने अपने आप को ब्रह्म नहीं माना, परमात्मा नहीं माना, भगवान नहीं माना, याद रखो। देखिए रावण क्या क्या रहा, तुमने कहा रावण धर्म के विरोध में है, तो रावण धर्म के विरोध में है तो परमात्मा भी धर्म के विरोध में है। वो परमात्मा क्या कहता है, सर्वधर्मान परित्यक्त कहता है, सभी धर्मों को छोड़ दो। रावण क्या कर रहा है, सकल धर्म देखा विपरीता। यदि रावण ने अपना कोई धर्म बना रखा हो तो आप रावण को बड़ा आरोप लगाए, भाई जबरदस्ती कोई धर्म बनाए हो और तुमसे ये कहते हो कि नहीं अपना धर्म छोड़ के मेरा धर्म स्वीकार कर लो तो हम अपराधी हैं। लेकिन जो परमात्मा कह रहा है वही परमात्मा कहता है जो संसार का बाप है, जिसको संसार अपना बाप मानता है, जो संसार का बाप है वही कहता है सर्वधर्मान परित्यक्त सभी धर्मों को छोड़ दो। तो रावण भी तो यही कहता है कि सकल धर्म देखा विपरीता, ये धर्म के आडंबर छोड़ दो, ये धर्म के आडंबर छोड़ दो, है ये मनुष्य है, ये आर्य है, ये देव है, ये दैत्य है, ये दलित है, ये सब धर्म छोड़ दो, धर्म केवल एक है और वो है मानवता का धर्म। रावण पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधना चाहता है, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, न कोई ब्राह्मण न कोई क्षत्रिय न कोई वैश्य, न कोई शूद्र न कोई देवता, न कोई दानव न कोई गंधर्व, न नर न नाग। रावण पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधना चाहता है, और जब रावण ने पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया तो आर्यावर्त के धर्म के ठेकेदार जो धर्म के नाम से भोजन कर रहे हैं, जो धर्म के नाम से जिनकी जीविका चल रही है, उस आर्यावर्त के धर्म के ठेकेदारों ने रावण को अपराधी और आतंकवादी घोषित कर दिया। सत्यता यह है, जबकि रावण ने कहीं कोई विरोध नहीं किया, कहीं कोई आतंक नहीं किया। आइए देखिए एक अर्धाली है क्या, एक अर्धाली और पढ़ रहे हैं, शुभ आचरण कतह नहीं होई। अब एक इसको भी काट दे कि हम नहीं करते, शुभ आचरण कतह नहीं होई, अदेव पित प्रगुण मान न कोई। अब एक ऐसी बात ना कर जो पकड़ दिया, जैसे कहा मोर मुराद सन्यासी, मोर मुराद अभी मोर मुराद सन्यासी नहीं हुई, और हुए हो को तो एक प्रमाण दे कि मोर मुराद भाई सन्यासी वो है एक, और इसीलिए बदलाया गया है वो किस युग में मोर मुराद, और इस समय जो सन्यासी संत है वो कैसे है, बहुत बढ़िया, किस युग में हो, उस तरह के हो गए तो तुम्हारे यहाँ तुम कहते हो हम उन संतों को सुन लिए। आप उत्तर ले, सुन लिए, आप युग की चर्चा ना करो, युग की चर्चा करोगे बेटा तो पूरा पूरा ग्रंथ पलट जाएगा, पूरा ग्रंथ सुन ले, अब बोलने दो, हमें बचाओ, एक चौपाई में पूरा ग्रंथ पलट दूंगा, पूरे ग्रंथ की इधर उधर कर दूंगा एक चौपाई में। अब सुन लो व्यास जी जब युग वर्णन हुआ, जब युग वर्णन हुआ, जरा उत्तर कांड इसका खोल लीजिए, जो विद्वान होंगे वो जानते भी होंगे, इसी ग्रंथ का उत्तर कांड खोल लीजिए, और जब युग वर्णन हुआ तो इसी ग्रंथ के ग्रंथकार आचार्य में श्रेष्ठ काल भुसुंड जी ने गरुड़ से कहा, इसी ग्रंथ का चरित्र है, काल भुसुंड ने गरुड़ से कहा कि पापी और अत्याचारी कब कहां कितने हुए, तो बोले सतयुग में कोई पापी नहीं है, त्रेता में कोई पापी नहीं, द्वापर में कुछ होंगे और कलयुग में सब होंगे। क्यों ऐसा करो, ऐसा कहा गया तो जब सतयुग में है ही नहीं पापी, त्रेता में पापी है ही नहीं,
और द्वापर में कुछ होंगे ये त्रेता श्रद्धा तो रावण पापी कैसे फिर रावण पापी कैसे तो त्रेता में पापी हरी नहीं कुंभकर्ण को हमने पलट दिया और नहीं बेटा इसको कह दो दिए और थाली में न जाऊं उसके रहस्य को समझने का प्रयास किया करो कभी कभी अध्ययन कर हमारे समाज आया करो रुको यदि रावण पापी नहीं है तो दायित्व भी पापी नहीं हम नहीं कह रहे ये बात हमारी नहीं है ये बात हमारी नहीं है ये बात हल्ला न मचाओ हल्ला आप मचा हमारे बोलने लगते हो हमने क्या कहा हम क्या बोल हमने ये कहा कि तुम इस तरह के प्रमाण ला दो भाई हमने एक उदाहरण के सही किया कि विश्वामित्र ने ऐसा किया तुम उदाहरण दो कि विश्वामित्र ने अपराध नहीं किया मेनका के साथ क्या किया मेनका के साथ अच्छा किया वशिष्ठ कुमार अच्छा किया उदाहरण विद्वान है और प्रसादन जी को क्या कहना है भाई वो तो विद्वान ही है बालक भी विद्वान है भाई अरे अच्छा थोड़ी भाई ये प्रतियोगिता है और प्रतियोगिता की ओर आप लोग अपना ध्यान पहुंचाएं ऐसा ही लक्ष्य की पूर्ति हो सकती नहीं होगी तो बस यदि आज मछली भेसन में आपके का खाना होगा